हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दो, सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन आ रही है। जल्दी से, अगर ये दोनों चीज हो रही है, चैट सेक्शन में यस लिख दो जल्दी से। सभी बच्चे, दोनों बैच के बच्चे, जल्दी से यस लिख दो। आवाज आ रही है और स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है, सभी बच्चे लिख देंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैट में। प्लीज, एज रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है ना। ओके, मतलब सबको क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, है ना। रिवीजन में हमने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। लास्ट क्लास में, दोनों बैचेस में आपने क्या पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किसी भी भिन्न को आप कैसे लिख सकते हो, भिन्न को कैसे बदला जाता है ना। और एलसीएम्स के बारे में भी देखा होगा। दूसरे बैच में हमारे रैशनल नंबर के बारे में, यानी परिमेय संख्याओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, राइट। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एलसीएम, किसी भी दो नंबर तीन नंबर का हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावत्त्य जो होता है वो लेते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके साथ ही हम देखेंगे डेसिमल्स यानी कि दशमलव क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे सभी बच्चों को पता है कि हमारी क्लास के कुछ रूल्स होते हैं जो हर दोनों क्लास के बच्चे आई होप फॉलो भी करते हैं, है ना। कि जैसे मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो बच्चे नहीं भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू बच्चों, है ना। जब भी मैं कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर कीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, आपको क्या करना है, तीन डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है, ठीक है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और अपना डाउट लिख देना है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पोल, जब भी मैं कहती हूँ ना आपको पोल में आंसर करना है, तो मेरे हर एक बच्चे को पोल में आंसर करना है। क्यों? क्योंकि आप पोल में जब आंसर करोगे उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, राइट बच्चे। तो पोल में आंसर कैसे करना है, तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे मेरे आंसर करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के बारे में अभी हम देखेंगे, एलसीएम के बारे में क्या। मान लीजिए मेरे पास बच्चा कोई भी दो नंबर है, ठीक है, कोई भी नौ नंबर, मान लीजिए 24 है यानी कि 24 है और 32 है, ठीक है। मुझे इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समावत्त्य, ठीक है। मुझे ये निकालना है, या मैं इसे चेंज करके यहाँ पर लिखती हूँ 16, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैं कैसे निकालती हूँ, दो तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुमन की आईडी से जो बच्चा है, बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्या अपना साउंड बंद कर लीजिए, प्लीज अपना माइक बंद रखो बेटा, रिक्वेस्ट है सभी से, अदरवाइज फिर क्लास से बाहर जाओगे आप, ऐसे मत करो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको, क्योंकि इससे दोनों बैच में डिस्टरबेंस हो रही है ना। यस थैंक यू, चलो ठीक है। तो मुझे निकालना है बेटा क्या, एलसीएम। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने लिखा, और एलसीएम हमेशा ना, चाहे वो बड़े नंबर से भी जा रहा हो दोनों नंबर, लेकिन हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं, इससे करते हैं बच्चों, सबसे छोटे नंबर से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से किया, ठीक है, 2 से किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से 24 जाता है, 24 जाता है क्या, यस जाता है, ठीक है। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 के बारे में आपका 16 आता है, यस आता है, किस पे आता है बच्चे, 8 पे आता है ना, यस बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। फिर ये दोबारा 2 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 6 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। फिर आपका 2 से चला जाएगा, 3 आएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। फिर आपका किससे जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 तो आता है, 3 नहीं आता, 3 आपने ऐसे ही लिख दिया, 2 एक अब 2, ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 एक अब 3। अब आपने क्या किया, इनको गुना कर दिया, ठीक है बच्चे, क्या किया, गुना कर दिया। तो देखो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 तिया कितना होता है, 48। तो एलसीएम क्या हो गया बच्चे, 48 हो गया, ठीक है। चलो मुझे जल्दी से बता दो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट में बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट, चैट में, ठीक है। चलो फिर मुझे एक का आंसर बताओ, अगर सबको समझ आया एलसीएम निकालना तो बता दो जरा। फिर मुझे एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे निकाल के बताइए 2, 5 और 15,
इसका आपको एलसीएम निकालना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए निकाल दीजिए सभी बच्चे, बता दो जरा क्या आएगा, बता दो जरा क्या आएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो बताओ, 2, 5, 15। अगर किसी को डाउट हो बेटा बता देना मुझे, किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं पोल में भी पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है मैम। हाँ बच्चे मुझे फिर से समझा दो, फिर से समझाओ। अच्छा ठीक है, यस मैम, ठीक है। चलो पहले कुछ बच्चों का जिनका आ रहा है उनका देख लेते हैं, फिर हम दोबारा से समझते हैं, ठीक है। यस रियाज ऑल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, यस ठीक है, ठीक है। मुकेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखो वेरी सिंपल, आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, 2 से करोगे, ठीक है। अब किससे करोगे, 2 से करोगे, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 के बाड़े में 5 नहीं आता तो 5 का 5 आएगा, 2 के बाड़े में 15 नहीं आता तो 15 का 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब 2 से तो जा नहीं सकता, अब मैं करूंगी 5 से, ठीक है। तो आपने किया 5 एकम 5। अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चे, यहाँ पर आपने लिख दिया 5 का पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे। फिर मेरा किस पे गया, 3 पे चला गया, ठीक है। 1 1 1 आ गया, 2 गुना 5 गुना 3 तो कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो एलसीएम कितना हुआ हमारा, 30, ठीक है। चलो समझ आया बेटा, दिनेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हुआ। किसी और मेरे बच्चे को डाउट है एलसीएम निकालने में, किसी को डाउट, यस और नो? यस मैम, एक बार और समझा दो, एक बार और बताओ, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बेटा नंबर है 12, और मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर ले रही हूँ 54, ठीक है। इसका मुझे निकालना है, चलो बताओ बाकी बच्चे जरा जल्दी से निकाल के दिखा दो चैट सेक्शन में क्या आएगा इसका, ठीक है। आपके पास 12 है और कितना है बच्चे, 7 में 12 के साथ 54 है। चलो बताओ जरा कितना आएगा, बता दो जरा सभी बच्चे कितना आएगा। देखो 12 क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर उठाओगे, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2। 2 के पहाड़े में क्या आता है, 2 2 के। नहीं नहीं कुछ बच्चों का अलग अलग आ रहा है आंसर, तो निकालो निकालो, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है वेरी गुड। और बच्चे बताओ भाई क्या आएगा, 12 और 54 है उसका एलसीएम कितना आएगा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। श्योर हो आप इतना, यही आएगा क्योंकि दोनों बैच के बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है देख लेते हैं, देखो देखते हैं चलो, क्योंकि दोनों बैच में काफी आंसर अंतर आ रहा है बैच का, ठीक है। चलो आपने क्या किया, 2 लिखा, 2 से यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 2 के बारे में 54 आता है क्या, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने यहाँ पर साइड में क्या किया बेटा, 2 से कर दिया, ठीक है। 2 दुनी 4 होता है, 4 यहाँ लिखा, 1 यहाँ आया और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। 2 7 14 हो गया, तो आपने 27 आ गया। अब फिर देखा 2 के पहाड़े से जाएगा, यस 2 के पहाड़े से 6 जा सकता है, 27 नहीं जाएगा लेकिन 6 तो जा सकता है, तो मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 27 लिख दिया, ठीक है। अब फिर मैंने देखा 2 के टेबल से जाएगा, नहीं अब जाएगा ये 3 से, 3 एकम 3 3 एम 27। फिर आपका 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3। फिर आपका 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2 दुनी 4, 4 तिया 12 12 तिया 36, 36 तिया कितना होगा, 108। तो जितने भी बच्चों ने 108 लिखा है वो सही है, और जितने भी बच्चों ने 72 यानी कि 72 लिखा है, 204 लिखा है, 190 लिखा है, नहीं बच्चे ये नहीं होगा। तो देखो कहने का मतलब समझो, आपको ना अगर आपको दिख भी रहा है ना कि बड़े नंबर से जा सकता है, आपको यहाँ पर ही दिख रहा था 3 से चला जाएगा, लेकिन मुझे इन दोनों में से एक नंबर दिख रहा था कि नहीं वो पहले 2 से जा सकता है। तो आपको रूल ही क्या कहता है एलसीएम का बेटा, सबसे छोटे नंबर से यानी कि सबसे छोटे फैक्टर से हमें करना होता है, सबसे छोटे गुणनखंड से करना होता है, ठीक है, अगर दोनों में से एक नंबर भी जा रहा है तो।
क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो जल्दी से बता दो, दोनों बैच के बच्चे बता दो जल्दी से, क्या मेरी बात सभी मेरे बच्चों को समझ आई है या डाउट है? किसी को भी डाउट है बेटा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन हाँ लेकिन समझ सबको आना चाहिए है ना। किसी भी मेरे बच्चे को अगर नहीं समझ आया है तो बता दीजिए, दोनों बैच के एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, ठीक है एक बार और बता देते हैं बच्चे, ठीक है यस। सो मेरे वाले बैच में क्लियर है बच्चों? मुझे ये बताओ आप में से किसी को डाउट है क्या? चलो ठीक है, देखो बेटा मैं मान लो एक नंबर लेती हूँ, ठीक है मैं छोटे नंबर से आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया 5 और 25, ठीक है मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैंने देखा ये 2 के पहाड़े से जाएगा क्या, तो सबसे पहले तो 2 के पहाड़े में ये आता ही नहीं है, ठीक है 2 के पहाड़े में तो ना 5 आता है ना 25 आता है, 3 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 25 आता है, ठीक है फिर मैंने देखा 4 का पहाड़ा, ना 4 के पहाड़े में 25 आता है ना 5 आता है, तो मैंने दिखाया 5 का पहाड़ा, ठीक है 5 एकम 5 होता है, 5 के पहाड़े में 25 कब आता है बेटा 5 पे, तो मैंने 5 लिख दिया, फिर देखा सिर्फ 5 बताया फिर मैंने 5 लिख दिया, तो 5 के गुना बेटा 5 से करी तो कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है तो एलसीएम हो गया 25, ठीक है क्या मेरी बात समझ आई है बच्चे? सुमन की आईडी से जो बच्चे जिस बच्चे ने पूछा था क्लियर हुआ है बच्चे? चलो फिर मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे ये बताओ कि क्या मैं अब एक क्वेश्चन पोल में पूछ सकती हूँ, यस और नो? यस और नो दोनों बैच के बच्चे बता दो जल्दी से मुझे, यस और नो सबका यस आ रहा है, पूछ लूं? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो बेटा देखो थोड़ा सा ना मेरे साथ कॉपरेट करना, एक थोड़ा सा मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगी उसके बाद 1-2 मिनट लगेंगे आप लोगों को पोल ऑन होने में, तो प्लीज कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं करेगा, ठीक है चलो। आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन ये है, ठीक है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये, आपको बताना है 18 और 54 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है चलिए आपको क्या करना है, पहले करना है कॉपी में और उसके बाद आंसर करना है पोल में, और कॉपी ना मेरे को किसी भी बच्चे को नहीं दिखानी है अभी, ठीक है जब तक मैं पोल बंद नहीं करूंगी मुझे कोई भी बच्चा अपनी कॉपियां नहीं दिखाएगा, दोनों बैच को बोल रही हूँ कोई भी कॉपियां नहीं दिखाएगा, ठीक है चलिए। एक बैच में आ चुका होगा पोल, दूसरे में भी अभी आ रहा है, यस इतने आप कॉपी में करिए फिर पोल में कर दीजिए, चलिए दोनों बैच के बच्चे आंसर करेंगे, पोल आ चुका है दोनों में। चलिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है 18 का और 54 का, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सभी बच्चे करेंगे मेरे, वेरी गुड सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आंसर कर दीजिए, वेरी गुड बेटा ध्यान से जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में कर दो, वेरी गुड सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड सभी करेंगे, अभी बहुत सारे मेरे बच्चे रुके हुए हैं दोनों बैच के, आंसर मुझे सबका चाहिए, वेरी गुड बेटा प्लीज म्यूट रखो, ध्यान से कीजिए ध्यान से, पहले आराम से कॉपी में कर लो, मेरे कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना, आपको 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। अच्छा छोटे से छोटा, अगर दोनों में से एक नंबर भी आपका सबसे छोटे फैक्टर से जा रहा होता है ना तो आप पहले उससे करते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है सबसे छोटे से हम पहले करते हैं, वेरी गुड सभी बच्चे करेंगे, सभी सबका आंसर चाहिए मुझे, ध्यान से कीजिए ध्यान से, मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, वेरी गुड
बेटा 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। आप ये देखिए कि सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है, दो होता है, दो से जाएगा तो क्या आएगा, उसके बाद फिर दो से जा सकता है या नहीं, तो फिर नहीं जा सकता तो फिर तीन से देखो, है ना, उससे एक एक नंबर फिर बढ़ाते चले जाओ। अगर दोनों में से एक भी दो से नहीं जा रहा फिर तीन को देखो, राइट। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, दोनों बैच के मुझे सभी बच्चों को आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आंसर मेरे सभी बच्चे करेंगे, देखो सही करोगे तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि आपको आ रहा है समझ, गलत होगा तो और अच्छी बात है, आपको गलती पता लगेगी और अगली बार वो गलती होगी ही नहीं कभी, है ना। यस, पहले कॉपी में करो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे को दो बेटा, अभी मेरे बहुत सारे आंसर मैं बताऊं मैम। मैम जी आज शुभम सर नहीं पढ़ा रहे। हाँ बच्चे, आज शुभम सर नहीं पढ़ा रहे। नहीं बेटा, आज की क्लास के लिए शुभम सर नहीं है अवेलेबल, ठीक है, वो किसी कारणवश आज नहीं क्लास ले पाएंगे तो उनकी जगह मैं आपकी क्लास ले रही हूं। ओके मैम। मैम इसका आंसर कैसे बताएं? इसका आंसर पोल में बताओ। पहले आप 18 और 54 का एलसीएम निकाल लो, फिर ए बी सी डी में से जो ठीक लगता है उसी पोल में जाके आंसर कर दो। ओके मैम। ओके यस, पोल में आंसर करना आता है ना बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी भी जितने बच्चे बच्चे हुए जल्दी जल्दी कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, ठीक है, 5 सेकेंड और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मैम इसमें आए नहीं रहा मेरे में मैम। 4 कोई बात नहीं बेटा, मैं बता मैम मुझे आंसर तो पता है, बोल नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हो? यस मैम, ये वो नहीं आ रहा है, कैसे लिखूं? अच्छा ठीक है बेटा, मैं फिर अभी चैट ऑन करूंगी ना, आप वहां आंसर कर देना, ठीक है। जिस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी मैं चैट ऑन करूंगी वहां फिर आंसर करना। चलिए 5 4 3 2 1 0 चलिए पोल को करते हैं बच्चे। मैं नोटबुक चेक कर दूं। पोल को करते हैं ऑफ, ठीक है, और चैट को कर लेते हैं ऑन। मुकेश कुमार की आईडी से बेटा, वेरी गुड। सुबह थोड़ा सा आज कॉपरेट कर लो, आज थोड़ा बुक कॉपी चेक कम ही हो पाएगी क्योंकि दोनों बैच है। हाँ एक मिनट, हाँ यस वेरी गुड, चैट बॉक्स ऑन कर दो बेटा, एक मिनट एक मिनट। यस चलिए, यस नरेश निकिता की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, मेरे कुछ बच्चों ने ना थोड़ा सा गड़बड़ किया और काफी सारों ने ठीक भी किया है। तो बेटा देखो क्या करना है, आपने देखा सबसे पहले आप 2 से गए, ठीक है, आपने 2 किया, 18 आता है 2 के पाड़े में, हाँ 9 पे आता है 18, मैंने 9 लिख दिया। अब 2 के पाड़े में 54 कब आता है, 27 पे आता है, नहीं आ रहा समझ तो आप यहाँ पर साइड में 2 से 54 को भाग करके देख लो, 2 × 2 = 4 होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 2 × 7 = 14 होता है, यहाँ से आपके पास 27 आ गया, आपने यहाँ लिख दिया। फिर आपने देखा कि अभी 2 से तो दोनों में से कोई भी नंबर नहीं जाएगा, तो मैंने क्या लिखा, 3 से किया, ठीक है, अब 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 9 = 27 होता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगेन 3 से किया क्योंकि दोनों नंबर 3 से चलेगा, 3 × 3 = 3, 3 × 9, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, तो 2 × 2 = 6, ठीक है, 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 54, ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक हुआ हमारा, आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जो बच्चे बोल रहे थे मैम नहीं आ पा रहा, अब आ रहा है क्या, कोई डाउट, कोई डाउट तो बेटा आंसर मुझे सबका चाहिए। यस मैम। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का और आंसर सभी बच्चे देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर चाहिए मुझे। चलो सभी बच्चे करो, क्वेश्चन है बेटा, प्लीज म्यूट रखिए, क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर,
ये रहा आपको एलसीएम निकालना है 24 एंड 32 का, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है 24 एंड 32 का। चलिए करिए जरा, पहले कॉपी में कर लेना उसके बाद पोल में करना, ठीक है, पहले कॉपी में फिर पोल में, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, चलिए तो अब तो इजी है, अब तो मैंने एग्जांपल भी समझा दिया, अब तो सभी बच्चे कर लेंगे। 24 यानी कि 24 और 32 का एलसीएम निकालना है, वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए कर दीजिए, पहले कॉपी में निकालना है, और मैंने बार बार बता रही हूँ सबसे छोटे गुणनखंड से हम सबसे पहले करते हैं बच्चे, है ना? 96 कौन से, किसने बोला ये ना, मेरे को बताओगे जरा कौन बच्चा है ये? मैम निमेश ने। नहीं तो बेटा आपको किसने कहा? अभी जो एक मिनट बेटा, हंसराज जो है किसी, बेटा एक मिनट बेटा, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो क्लास के अंदर? यस मैम। बेटा आपको अगर ज्वाइन हुए हो ना तो पहले एक बार अपने आप को बताओ, मैम मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ। सेकंड चीज, कभी भी आंसर, अभी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो, आंसर आपको ऐसे नहीं बताना होता है। जब भी आप पोल में आंसर करते हैं ऐसे आंसर नहीं बताते हैं बेटा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम अभी आप आंसर नहीं बताओगे जब तक मैं ना पूछूं, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, म्यूट कर लो और पोल में आंसर करो। अगर अभी आपको पोल में आंसर करना नहीं आता कोई बात नहीं, मैं अभी चैट ऑन करूंगी वहां आंसर करना, ठीक है? चलिए कर दीजिए सभी बच्चे। मुझे नहीं पता इस बच्चे ने सही बताया गलत बताया, आप अपने हिसाब से करिएगा, अपने कॉपी में करो पहले फिर पोल में करो। दोनों बैच के बच्चों को मैं ये बात बोल रही हूँ, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड। 24 एंड 32, 24 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम जी कॉल आ रहा है, अटेंड कर लूं? ठीक है बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है कर दीजिए। 24 और 32 का एलसीएम है ना, 24 और 32 का एलसीएम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं अभी कॉपी में करिए फिर पोल में कर दीजिए, सभी करेंगे, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी बच्चे करेंगे। दोनों बैच के बच्चों के लिए बात है, दोनों बैच के बच्चे प्लीज बेटा आज थोड़ा कोऑपरेट कर लो अमित कुमार की आईडी से। बेटा कर लिया, मेरे को दिख रहा है, मेरे को आईडी नाम से पता लगता है कि जो बच्चे मेरे आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉइज दोनों बैचों में जाएगी फिर। प्लीज, वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे, अभी आधे बच्चों ने भी नहीं किया है, सभी बच्चे करिए। वेरी गुड, एलसीएम निकाल दीजिए 24 और 32 का। वेरी गुड, बेटा अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सभी बच्चे करेंगे। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है, सिंपल। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेल डन, बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड, बेटा बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलो मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। रुक जाऊं अभी? चलो 2-3 मिनट और रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूंगी, ठीक है? 1 मिनट और रुकी हूँ मैं सभी के लिए। वेरी गुड, एक मिनट, किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जो मेरा बच्चा बताया जल्दी से कर देगा।
पांच मैम हो गया, चार तीन दो एक जीरो। आवाज नहीं आ रही। चलिए पोल को करते हैं बंद। मैम कॉपी चेक कर, और पोल को कर देते हैं ऑफ एंड चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी गुड मैम। हाँ बच्चे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही। हिमांशु की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे। वेरी गुड नरेश। निकिता की आईडी से वेरी गुड। राहुल की आईडी से वेरी गुड बेटा। वेरी गुड ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फ्रेंड्स मुकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर। ठीक है अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने पहले 2 से किया 12 आया 12 आ गया यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। फिर आपने 2 से किया 6 आएगा यहाँ से आपके पास 18 आएगा। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा। 18 नहीं 2 से फिर आपका जाएगा, फिर आपका कितना आएगा 3 आएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। क्या कह रहे हो बच्चे? ठीक है फिर आपने देखा फिर 2 से चला जाएगा 3 आएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। फिर आपने 2 से किया 3 आएगा यहाँ से 1 आएगा। ठीक है फिर आपने यहाँ से 3 से कर दिया 3 एकम 3। तो आपने देखा 5 बार तो आपका 2 आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है तो आपने इनको जब गुण मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना आएगा 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 और 32 दिया। ठीक है 32 दिया कितना होता है 96। कितना आया बेटा 96 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है यस जितने भी बच्चों ने मेरा ऑप्शन नंबर सी किया था वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए अभी हम बढ़ लेते हैं आगे। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। आशीष कुमार की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करिए। यस थैंक यू बच्चे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम क्या देखेंगे देखो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डेसिमल के बारे में यानी कि दशमलव के बारे में। ठीक है दशमलव में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी भिन्न को हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। आपको पता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो है ना, आपको पता है कैसे आप एक भिन्न को दशमलव में बदलते हो। ठीक है भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए और भागफल भिन्न का दशमलव रूप ना ले ले। मतलब समझो कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए बेटा 1/2 है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मेरे, कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है एक बार मुझे बताओगे। दोनों बैच के अंदर स्क्रीन दिख रही है तो बेटा यस लिखना, अदरवाइज नो लिख दो। दोनों बैच में एक बार लिख दो मुझे पता लग जाएगा। मेरे कोई बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा शुभम सर वाले बैच में एक दो बच्चे को नहीं दिख रही है, बाकी सबको दिख। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मैं स्क्रीन को दोबारा से स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ। ठीक है एक मिनट, अगर फिर भी इश्यू आए बेटा तो फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम है, एक बार रीज्वाइन करना। ठीक है यस ठीक है। अभी दोनों बैच के बच्चे मुझे बता दो जल्दी से, अब आ रही है ना दोनों बैच के। सचिन बच्चे ने नहीं लिखा था उनको अब स्क्रीन आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं। यस वेरी गुड। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है देखो अगर मेरे पास सपोज करो आप कोई भी एक भिन्न है 1/2। ठीक है इसको मुझे दशमलव में लिखना है। आप सभी को आता है भिन्न को दशमलव में बदलना, सबको आता है। क्या करेंगे हम 2 से 1 को भाग कर देंगे। अब 2 से 1 तो कभी भाग हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 तो कभी आएगा ही नहीं। तो बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ लगाऊंगी 0, यहाँ मैं लगाऊंगी 0 और ऊपर लगाऊंगी। हाँ बच्चे मेरे को नहीं आती। ठीक है जिनको नहीं आता बेटा कोई बात नहीं, मैं बता ही रही हूँ सिखा ही रही हूँ। ठीक है तो हम क्या करते हैं दशमलव से जब हम भिन्न से हम दशमलव में बदलते हैं ना तो हम क्या करते हैं नीचे वाले से
नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं, यानी कि दो को एक, दो से एक को भाग करेंगे। अब दो के पहाड़े में तो एक हमारा कभी आता नहीं है, है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और ऊपर जब यहाँ पर जीरो एक लगा दी तो ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, ऊपर हमारा लगेगा एक दशमलव, यानी कि जीरो दशमलव। ठीक है, आप देखो दो के पहाड़े में दस आता है क्या, हाँ आता है, पांच पे आता है, दो पंजे दस, सिंपल। आपके पास ये कितना आ गया, जीरो दशमलव पांच, ये आपका क्या हुआ, ये आपका दशमलव हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये आपका दशमलव हो गया। चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ सभी बच्चे, मेरे पास 25/2 है, अगर मैं चाहूं आप इसको दशमलव में बदल के दिखाइए, तो चलो चार्ट सेक्शन में बदल के बता दीजिए क्या आएगा, 25/2 को दशमलव में बदलोगे तो क्या आएगा, बता दो जरा, बता दो जरा, दोनों बैच के बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। मैम एक बार और बता दो। हाँ बेटा एक बार और बताती हूँ मैं, देखो मेरे को मान लीजिए आपको दो से भाग करना है 25 को, ठीक है, अब दो के पहाड़े में 25 आता है क्या, नहीं, पहले दो के पहाड़े में दो आता है, दो एक का दो लिख दिया, ठीक है, कट गया, आपने उतारा पांच, ठीक है, दो के पहाड़े में पांच आता है क्या, नहीं, दो दुनी चार होता है, तो आपने चार लिख दिया, तो पहले तो नॉर्मल भाग कर लो, ठीक है, कहां तक, जब तक शेषफल आ जाए, ठीक है, नॉर्मल भाग कर ली, अब आपके पास एक आ गया, अब इससे आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एक जीरो और यहाँ लगाओगे आप दशमलव ऊपर, जैसे ही आपने अलग से नीचे जीरो ऐड किया ना शेषफल में, शेषफल में जैसे ही आपने जीरो ऐड किया, जीरो लिखा, आप ऊपर एक पॉइंट लगा दोगे दशमलव। हाँ बेटा मैम, हाँ जीरो ऐड क्यों कर दिया बेटा, जीरो इसलिए ऐड किया, ये आपका शेषफल हो गया था ना, ठीक है, अभी हम नॉर्मल भाग करते हैं, जब हम नॉर्मल भाग करते हैं तो शेषफल लिख के छोड़ देते हैं, यही करते हैं ना, बट अब हम उसको आगे भी सॉल्व कर रहे हैं, कहां तक, दशमलव में बदलने के लिए, ठीक है, जब भी हम दशमलव में बदलते हैं तो जो हमारा शेषफल होता है ना, हमें शेषफल जीरो चाहिए होता है, तो शेषफल जीरो लाने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं जीरो, अभी क्या बन गया, दस बन गया, अब दो के पहाड़े में दस तो आता है ना, कब आता है, पांच पे आता है, तो मैंने पांच लिख दिया और दो पंजे दस हो गया, अब देखो आंसर कितना आ गया, शेषफल जीरो, अब यहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे, और ये जो आंसर आया आपका 12.5, ये आपका इसका आंसर हो गया, इस भिन्न को आपने दशमलव में बदल दिया। क्या मेरी बात दोनों बैच में बच्चों को अच्छे से समझ आई है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो लिख दो, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है ना बेटा बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से देख लेंगे, बता दीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। किसी भी भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, पहले तो हम नॉर्मल बेटा भाग करते हैं, जैसे नॉर्मल भाग होती है, जब हमारे पास शेषफल आ गया ना, उस शेषफल के आगे हम जीरो लगा देते हैं ताकि हम उसको आगे सॉल्व कर सके, और ऊपर लगा देते हैं एक दशमलव, ठीक है, ऊपर लगा देते हैं एक दशमलव। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो अभी मेरे पास एक नंबर है 8/5, चलो हाँ बेटा मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, ठीक है, इस भिन्न को अगर मैं दशमलव में बदलना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, देखो मेरे पास पांच है या आठ है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पांच से भाग किया आठ को, ठीक है, तो पांच एकम पांच, उधर पांच दूनी दस हो जाएगा, तो किससे जाएगा, पांच एकम पांच से जाएगा, ठीक है, नॉर्मल भाग जो करते हैं वो मैंने कर दी, मेरे पास तीन शेषफल आ गया, ये तो हो गई नॉर्मल भाग, यही करते हो ना जब नॉर्मल भाग करते हो, आप बोलते हो मैम शेषफल आ गया तीन और भागफल आ गया एक, यस और नो, यही करते हो ना बेटा, ठीक है, अब इससे आगे हम कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ लगा दी मैंने जीरो और ऊपर लगा दिया एक दशमलव, ठीक है, इतना कर सकते हैं ना, आप देखो पांच के बारे में तीस आता है क्या, तीस आता है क्या, यस, कब आता है, पांच छह का तीस, तो मैंने छह यहाँ लिखा और तीस यहाँ लिख दिया, अब आंसर कितना आ गया बेटा, शेषफल जीरो आ गया, जब तक सॉल्व करते बेटा जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, और अब आपका आंसर क्या आ गया, 1.6, आपने 5/8 को बदल दिया 1/6 में, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, जिस yes, yes, ma'am. आप क्लियर हुआ है, वेरी गुड मैम, माइक बंद करवा दो बेटा प्लीज, जिस जिस बच्चे ने माइक ऑन किया हुआ है प्लीज बंद कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बंद कर दीजिए, जिन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ है प्लीज बंद कीजिए, यस थैंक यू बेटा, दोनों बैच में प्रॉब्लम होगी अगर आप माइक ऑन करोगे तो, ठीक है
ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगर ये मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है तो अब हम आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही है बच्चे? कौन से बच्चे ने बोला आवाज नहीं आ रही है? मोहित सिंह की आईडी से बच्चा बोल रहा है क्या? यस मैम। बेटा आवाज आ तो रही है, तभी तो आप मेरी बात का रिवाइज आवाज। अच्छा एक बार ऐसा करो, लीव करके ज्वाइन करो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज क्लियर है मेरे को लग रहा है। एक बार देखो। यस चलो एक नंबर और ले लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आया हमने कैसे एक भिन्न को दशमलव में बदला। ठीक है, आप मुझे बताओ, मान लो मेरे पास 1/10 है, ठीक है, या 1/100 है, या 1/1000 है। मैं इन्हें जब भी बेटा ऐसा कोई नंबर हो जिनके नीचे हर के अंदर 10 हो 100 हो 1000 हो ना, तो वहां पर तो बहुत ही सिंपल होता है दशमलव में लिखना। जितनी नीचे जीरो होती है ना, उतने ऊपर अंक से बाद, अंक से पहले आप दशमलव लगा दो। सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/10 है, मैं अगर इसको लिखना चाहूंगी ना तो मैं क्या लिखूंगी, जीरो कितना है, 1 है, ऊपर एक ही अंक है, तो मैं 0.1 क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, 2 जीरो है पर लेकिन अंक तो 2 है ही नहीं, तो मैं 0.01 लिख दूंगी। ठीक है, इसको लिखना चाहूंगी तो 3 चाहिए, 3 अंक ऊपर है ही नहीं, 1 ही है, तो 0.001 लिख दूंगी। मेरी बात समझ आई है कहने का क्या मतलब है? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस बिल्कुल सही। मेरे कुछ बच्चों ने ना गलत लिखा है बेटा, मैं बताती हूँ। देखो मान लो मेरे पास 1/100 है, या मैं लिख रही हूँ 25/10। ठीक है, इन दोनों से समझाती हूँ, इजी पड़ेगा आप लोगों को। 25/10, ठीक है, या 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हुआ, जो नीचे जितनी जीरो होंगी ना, ऊपर उतने अंक से पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, इधर से तो यहाँ पर एक ही है, तो मैंने 1 से पहले दशमलव लगा दिया, यानी कि 0.1 हो गया। ठीक है, अब मैं इसी में 25.1 में यहाँ पर कैसे लिखूंगी, 5 से पहले लगा दूंगी, तो 2.5 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास मान लो 1/100 है। ठीक है, 1/100 है, मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 अंक से पहले, तो मेरे पास तो यहाँ एक ही अंक है, तो मैं इसके आगे पहले 0 लगा दूंगी, फिर दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया 0.01। अगर मैं यही पे 25/100 लिखूंगी बेटा, तो इसको कैसे करूंगी, कितने अंक है, 2 अंक से बाद लगाना है, तो 0.025। ठीक है, अगर मान लो 1/1000 है, तो मैं कितने, 3 अंक से पहले, तो 1 तो एक ही अंक है, 2 जीरो लगा दो और फिर दशमलव लगा दो। मैम एक बार दोबारा बताना। ठीक है बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ। अगर मान लो यही पे 25/1000 है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 3 अंकों से पहले लगाना, यहाँ तो 2 ही अंक है, तो आप क्या करोगे, 25 लिख दोगे और आगे 0 लगा दोगे, फिर दशमलव लगा दोगे, तो कितना हो गया, 0.025। मेरे कितने बच्चों को समझ आया है, मुझे एक बार बस इतना लिख दीजिए, येस और नो में आंसर कर दो, उससे मुझे समझ आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे बताइए एक बार, फिर मैं दोबारा से समझाऊंगी, एक बार बता दो। यस, दोनों बैच में बच्चे मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, देखो बेटा मैं एक एग्जाम्पल दोबारा से लेती हूँ, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो मैं एक नंबर ले रही हूँ, ठीक है, मैं नंबर लिख रही हूँ 3, 7, 5, ठीक है, बटे में मैं लिख रही हूँ 10। चलो अभी मुझे बताओ, इसको अगर आप दशमलव में बदलोगे, ठीक है, अगर बेटा नीचे कोई और नंबर है तो सिंपल हम भाग करेंगे, भाग करके ही करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नीचे 10, 100, 1000 होता है, तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, नीचे जितने जीरो है ऊपर दाई तरफ से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, बस सिंपल। यस बिल्कुल सही, दोनों बैच में बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 37.5, क्योंकि इधर से आप डिसाइड करोगे, एक अंक लोगे तो 5 छोड़ के दशमलव लगा दोगे। अच्छा चलो यही पे मेरे पास बेटा 375/100 हो तो तब कितना आएगा, तब बता दो, 375/100 हो तब कितना आएगा, बताओ जरा दोनों बैच में बच्चे, चार सेक्शन में कितना आएगा। बिल्कुल सही, आप मतलब समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही, आपने देखा नीचे 2 जीरो है, यानी कि 2 जीरो के बाद यहाँ से दशमलव लगा दोगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ, अगर मेरे पास 375/1000 हो तब कितना आएगा, तब बताओ, तब बताओ, 375/1000 हो तब कितना आएगा बच्चे,
बिल्कुल सही, यस। तीन जीरो, तीन अंक लिख दिए आपने, उसने बोला तीन अंक से पहले जीरो लगा दो, तीन अंक के बाद यहां से दाई तरफ से आपने लगा दिया। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? या अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगी। एक भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब नहीं है किसी को, क्लियर है। चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर कहाँ देंगे, पोल में देना, ठीक है? पोल में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चे, आपको 1/4 को दशमलव में लिखना है, ठीक है? आप क्या करोगे, 4 से भाग करोगे 1 को, ठीक है? सभी बच्चे कहाँ करेंगे बेटा, नहीं आ रही पोल में मैम। पोल में आंसर। तो बेटा कोई बेटा प्लीज चैट में आंसर नहीं करेगा जब तक मैं ऑफ कर रही हूँ। यस, सही बच्चे चैट पोल के अंदर आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, और कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है? यस, कर दिया वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में कर दीजिए फिर पोल में कर दीजिए। प्लीज बेटा माइक बंद रखिए। मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। मैम पिंका की आईडी से जो बच्चा है, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही है? नाम बताएं। नहीं, अच्छा आप बोल रहे हो क्या पप्पू कुमार की आईडी से ना? एक मिनट बेटा, अब बेटा आवाज नहीं आ रही तो मैं जो बोल रही हूँ सुनाई कैसे दे रहा है आपको? हाँ झूठ बोल रही है मैम ये। नो नहीं, अगर बेटा नहीं जेन्युइनली अगर आवाज नहीं आ रही तो बेटा मैं जो बोल रही हूँ उसका तो मैम, सच्ची में नहीं आ रही। हम ज्वाइन फिर मेरी बात का रिप्लाई कैसे कर रहे हो? कर लें दोबारा। लीव करके कर लो ज्वाइन, बट लेकिन अगर बेटा आपको आवाज नहीं आ रही होती तो आप मेरी बात का रिप्लाई कैसे कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आया। हाँ चलो एनीवेज, क्या मैम? अच्छा ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए, एक बार लीव करो एंड ज्वाइन करो, ठीक है? सभी करेंगे यार, सभी बच्चों का, मुझे दोनों बैच में सभी बच्चों का आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सबका चाहिए बेटा मुझे। 1/4 है, इसको आप इस भिन्न को आपको क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है, कर दीजिए। वेरी गुड, कर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, दिया ध्यान से कीजिए, मेरे कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। नहीं बेटा ध्यान से करो, ध्यान से करो, मेरे बैच के बच्चों बेटा आप लोग भी जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, आपके पास 1/4 है, ठीक है? और शुभम सर के क्लास के बच्चों बेटा आप भी थोड़ा जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, बताऊंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, प्लीज पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। बताऊंगी सभी बच्चे पहले शांत हो जाओ, अभी इस वाले बैच में सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ही बताऊंगी, क्योंकि दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? दोनों को समझाना चाहिए, दोनों बैच के बच्चों को, है ना? यस, आगे वाले बैचेस में मैं पूछूंगी क्वेश्चंस, डोंट वरी बच्चों, ठीक है? पूछूंगी आने वाली क्लासेस में, पक्का आप लोगों से पूछूंगी। चलिए सभी बच्चे कर देंगे बेटा, यस यस बेटा, क्या मैम, स्क्रीन पर गलत लिख रखा है। लिखा है? मैं आपने 4 भाग में एक लिख था, 1 भाग में 4 लिखना था। नहीं बेटा 4 से 1 को भाग करना है आपको, 4 से 1 को भाग लिखा, सही लिखा बेटा, हर से ही तो भाग करोगे 1 को, हर से ही तो भाग करते हैं ना अंश को, गलत थोड़ी लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। यस मैम। चलिए सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे काफी बच्चों ने ना जल्दबाजी में गड़बड़ आंसर करा है, काफी बच्चों ने करा ये चीज, बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आपको वो आंसर कीजिए सभी बच्चे। मैम सबसे नहीं अब किसको नहीं दिख रही है बेटा, दोबारा बोलो कौन बोल रहा है बच्चा? दिखा रही मैम, मैं दीपेश को। दीपेश दीपेश बता बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, को। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम क्या लग रही है ना मुझे, आप लोग स्क्रीन पे टैप कर देते हो वो हो जाते ही है पिन, और दूसरे की स्क्रीन आपको विजिबल हो जाती है फिर। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं,
सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और दोनों बैच के बच्चों को, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बेटा एंड, एंड चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। मैम एक बार कॉपी देख लो। मुकेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। बाकी दूसरे बैच में भी बंद करते हैं पोल को और चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा देखो मेरे ना काफी बच्चों ने ना आंसर जल्दबाजी में गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है, बहुत जल्दबाजी करी काफी बेटा। एक मिनट ना बेटा, चैट ने गलत किया है, ऑन तो है चैट, दोनों बैच में ऑन है चैट, देखो आप लोग, और आंसर भी कर रहे हो दोनों बैच में। बेटा पहले चेक कर लिया करो, दोनों बैच में ऑन है। चलो अभी पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। मेरे दोनों बैच में ही काफी बच्चों ने ना बहुत अच्छा आंसर किया और काफी बच्चों ने ना जल्दबाजी में गड़बड़ किया है। देखो आपके पास चार है, चार के पहाड़े में टेबल में एक तो कभी आएगा नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर लगाओगे दशमलव, ठीक है, उससे आगे लगा लोगे जीरो। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे जीरो। दस आता है क्या चार के पहाड़े में? नहीं आता, चार के पहाड़े में दस तो कभी आता ही नहीं है, तो चार के पहाड़े में लेकिन आठ आता है, चार दुनी आठ कर दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने उड़ा लिया बेटा यहाँ पर दो, ठीक है, अब दस में से आठ गए दो आ गया, अब ये हो गया आपका शेषफल। लेकिन मुझे इससे आगे करना है, मैं क्या करूंगी, अगेन एक और जीरो लगा दूंगी, क्योंकि हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। तो क्या मैं ऊपर एक बार और दशमलव लगाऊंगी? नहीं, एक ही बार बेटा दशमलव लगाते हैं, उसके बाद जब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, शेषफल जीरो ना आ जाए। तो आप किस पे जाएगा, ये चार के पहाड़े में बीस आता है, यस आता है, किस पे आता है, पांच पे आता है ना। तो अब आ गया आपका शेषफल जीरो, अब आ गया आपको सॉल्व ही नहीं करना बस। तो कितना आंसर आया, 0.25। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जितने बच्चों ने बेटा ए ऑप्शन लगाया था गलत था, जितने बच्चों ने ए लगाया था गलत था। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो सभी बच्चे, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास 1/100 है, क्या है, 1/100 है, आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है दशमलव में। अब ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, 2 दशमलव अभी भी मैंने बताया था, है ना, अभी बताया था। दोनों बैच के बच्चे जल्दी से कर दो, कहां पर, पोल के अंदर, ठीक है। चलो बेटा पोल चला दो मैं, एक मिनट बेटा, आप लोगों को पता है सभी दोनों क्लास के बच्चे रेगुलर क्लास लेते हो, रूल सबको पता है, फिर भी मेरा एक आध बच्चा कुछ ना कुछ जरूर कर देता है। और पता है कौन किस बच्चे के लिए मैं बोल रही हूं, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। 1/100 है, आपको पता है नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो से पहले दशमलव लगेगा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर देंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए, वेरी गुड। मैं आवाज नहीं सुन रही, क्या हो गया बेटा, बोल नहीं चल रहा क्या, आवाज नहीं सुन रही मैम, मैम आवाज, एक मिनट, अब बताइए आवाज आ रही है बेटा, नहीं प्लीज मान जाओ गलत है आपका आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, नहीं बताना और गलत बता रहे हो आप, प्लीज क्लास में रूल्स को फॉलो कर लो, अदरवाइज मैं निकाल दूंगी क्लास से बाहर, और ये दोनों क्लास बैचेस के लिए है, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं दोनों बैच में, जल्दी जल्दी कर दीजिए। आपको 1/100 है, इसको दशमलव में लिखना है, ठीक है, इसको दशमलव में लिखना है, लिख दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है
नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतने दाई तरफ से उतने अंक के पहले बाद में, मतलब दाई तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है। लिख दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड। मैम इसमें आंसर कहाँ पे लिखे हैं? आ ही नहीं रहा, बोल नहीं आ रहा बेटा आपका। नो मैम। बेटा अभी मैं चैट ऑन कर देती हूँ ना, वहां आंसर कर देना। वैसे आपका रेगुलरली आता है क्या पोल, या आज ही नहीं आ रहा है? मैम आज ही ज्वाइन किया मैम क्लास, पता नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं है तो क्लास बाद में ज्वाइन की थी क्या आपने? अच्छा, क्लास के बाद एक मिनट रुकना आप बेटा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ। मेरा जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को कर देते हैं बच्चे ऑफ और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है? दोनों बैच में मैं कर देती हूँ बंद। और पोल को ऑन। देखो बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको सभी को बताया था और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया है। दो अंक के बाद, तो यहाँ एक ही अंक है तो आपने एक जीरो लगा दिया, 0.01। ये आपका क्या हो गया, जब आपने इस भिन्न को 1/100 को किस में बदला, दशमलव में बदला, राइट? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। वेरी गुड बच्चों। चलिए मुझे बताइए, भिन्न से दशमलव में बदलना और एलसीएम निकालना, क्या मेरे सभी बच्चों को समझ आया दोनों बैच में? यस और नो? यस और नो? चैट सेक्शन में बैठा, चैट सेक्शन में यस और नो? वेरी गुड। सो बच्चे आज के लिए चलिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है? चलिए 1 सेकंड दीजिए।